आज हम बात करने वाले हैं होस्टिंग्स के अबाउट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है एहसान दानिश। आज हम बात करने वाले हैं होस्टिंग्स के अबाउट। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिटेल के अंदर बात की थी डोमेन्स के अबाउट, आज हम बात करेंगे होस्टिंग्स के अबाउट। बेसिकली होस्टिंग्स क्या है या होस्टिंग क्या है, सर्वर क्या है, वेब सर्वर्स क्या है, ये क्या चीज़ें हैं, तो इसके अबाउट बात करने वाले हैं। तो होस्टिंग बेसिकली एक ऑनलाइन स्पेस है जिसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट का डाटा रखते हैं। थोड़ा और मजीद सिंपल करके समझाता हूँ। लेट्स से आप एक वेबसाइट देखते हैं कोई भी, उसके ऊपर कोई भी कंटेंट मौजूद है, वो ऑडियो फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्म के अंदर हो सकता है, इमेजेस फॉर्म के अंदर हो सकता है, उसका कोई ना कोई साइज तो होगा ना, राइट? तो क्या होता है कि वो साइज हमें कहीं ना कहीं पे तो रखना है, कोई स्टोरेज डिवाइस होगी, उस स्टोरेज डिवाइस को हम सिंपल से अल्फाज में कहूँ तो होस्टिंग कहते हैं वेबसाइट की टर्म्स के अंदर, कि उसके ऊपर हम अपनी वेबसाइट का डाटा रखते हैं और अपनी डोमेन को, ये जो हमने डोमेन लास्ट टाइम डिस्कस की थी और यहाँ पे हमारे पास होस्टिंग है, इस होस्टिंग के ऊपर हम अपना डाटा रखते हैं, राइट? और यहाँ पे हमारे पास डोमेन है, इस डोमेन को हम इस डाटा के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जब भी कोई बंदा ब्राउजर के ऊपर ये डोमेन टाइप करेगा और इस डोमेन के साथ जो सर्वर अटैच होगा और उस सर्वर पे जो डाटा मौजूद होगा वो उस यूजर के सामने, ब्राउजर के सामने अपीयर हो जाएगा, राइट? इसी तरह से काम होता है। अब जो ऐसा तो कभी नहीं हुआ आपने facebook.com लिखा हो और twitter.com खुल गया हो, क्योंकि facebook.com जो डोमेन है वो फेसबुक के सर्वर से अटैच है और फेसबुक का ही डाटा आपको दिखा रहा है, राइट? ना कि ट्विटर का। तो आई होप इससे थोड़ा सा मदद मिली होगी आपको समझने में। अब यहाँ पे हम होस्टिंग्स कहाँ से लेते हैं, किस तरह से लेते हैं, क्या प्राइसिंग्स होती हैं और किस किस तरह से उनकी बात करते हैं, तो उससे पहले हम थोड़ा सा जो होस्टिंग्स की हैं वो टाइप्स देख लेते हैं। होस्टिंग की टाइप दो चार टाइप्स हैं और मतलब काफ़ी सारी टाइप्स हैं, जितनी भी टाइप्स आप बनाना चाहो बना सकते हो। यहाँ पे हमारे पास जो मेजर है वो है जैसे शेयर्ड होस्टिंग हो गया, डेडिकेटेड सर्वर हो गया, VPS हो गया, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बेसिकली इनके अंदर डिफरेंस ये होता है, होती सारी स्पेसेस ही हैं लेकिन कुछ चीप होती हैं, कुछ ज़्यादा महंगी होती हैं ड्यू टू देयर फीचर्स। लेट्स सपोज अब हमारे पास डेडिकेटेड सर्वर है, वो टोटली सिर्फ हमारी वेबसाइट के लिए बना है और वो हमने उसका रेंट दे रहे हैं, वो ज़्यादा महंगा होगा, उसको हम हर तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, उसके ऊपर जो दिल चाहे हम रख सकते हैं, राइट? ऑन द अदर हैंड शेयर्ड होस्टिंग जो होती है उसके ऊपर हमारी वेबसाइट के साथ और सारी वेबसाइट्स भी होती हैं जिनको उसी सेम सर्वर के ऊपर रखा जाता है, राइट? तो इनमें डिफरेंट फर्क है प्राइसिंग का। फिर स्पीड जो VPS या डेडिकेटेड सर्वर की है वो ज़्यादा है स्पीड, आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइम, ओपनिंग टाइम वो ज़्यादा होता है। ऑन द अदर हैंड शेयर्ड होस्टिंग का थोड़ा सा कम होता है क्योंकि डाटा स्लो प्रोसेस करता है वो। तो इस तरह के बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया कि होस्टिंग क्या है। चलिए मजीद स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और जाके देखते हैं कि होस्टिंग अगर हमने बाय करनी है तो किस तरह से हम होस्टिंग बाय कर सकते हैं और कौन कौन से प्रोवाइडर्स हैं जो होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं और किस किस प्राइसेस पे प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो हम आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर। तो हमने डोमेन लिया था, अमूमन ये होता है जहाँ से हम डोमेन लेते हैं वहीं से ही हमें होस्टिंग भी मिल जाती है, जहाँ से हम होस्टिंग लेते हैं वहीं से हमें डोमेन भी मिल जाती है। और सम टाइम ऐसा होता है कि हम डोमेन कहीं और से लेते हैं जहाँ से हमें चीप मिल रही है और होस्टिंग कहीं और से लेते हैं, तो इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो चले GoDaddy के ऊपर चलते हैं, डोमेन्स के लिए हमने यही ओपन किया था। नेमचीप के ऊपर चलते हैं, इसी तरह साइट ग्राउंड के ऊपर चलते हैं, राइट? इसी तरह होस्ट गेटर के ऊपर चलते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं जो आपको होस्टिंग्स प्रोवाइड करते हैं, जिनसे आप होस्टिंग्स बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम बारी बारी सबको एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह से वो जो है हमारे पास होस्टिंग्स वर्क करते हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर इस वेबसाइट के ऊपर आप आए हैं तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस होना चाहिए फॉर वेब फॉर होस्टिंग्स, और यहाँ पे हम आ जाते हैं मेन के ऊपर और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे वेबसाइट्स के अबाउट बात करेंगे, और यहाँ पे देखें वेबसाइट्स के इनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। ऑल होस्टिंग ऑप्शंस वेब होस्टिंग्स, तो हम वेब होस्टिंग्स पे जाते हैं, जैसे मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग नीचे एक और ऑप्शन आ रहा था, लेकिन हम मेजर पे बात करेंगे। अब यहाँ पे देखें जो इकोनॉमी प्लान है इसके अंदर ये आपको $5.99 पर मंथ पे आपको पड़ता है और इसके ऊपर सिर्फ आप एक वेबसाइट चला सकते हैं और इसका जो स्टोरेज होता है वो 100 GB होता है, मतलब आपकी वेबसाइट के ऊपर आप टोटल 100 GB तक डाटा रख सकते हो, कोई वीडियोज़ हैं या कुछ भी है।
उसके ऊपर आप डाटा नहीं रख सकते, राइट। तो क्योंकि एक स्पेस है, जिस तरह हमारे मोबाइल के अंदर एक मेमोरी कार्ड होता है, उसके अंदर अगर हम 10 सॉन्ग्स रखने की कैपेसिटी है तो 12 सॉन्ग नहीं रख सकते, हमें उसके लिए एक नया कार्ड लेना पड़ेगा जिसका जो मेमोरी स्पेस है वो ज़्यादा होगा, राइट। इसी तरह से जो हमारा होस्टिंग है, ये सर्वर है, उसके स्पेस 100 GB और $5.99 के अंदर पर मंथ हमें ये पड़ रहा है। ऑन द अदर हैंड, अगर हमें ज़्यादा स्पेस वाला और ज़्यादा बड़ा सर्वर चाहिए तो यहाँ पर देखें ये $7.99 पर मंथ पे ये दे रहे हैं, और इनका स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, अनलिमिटेड वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर वन वेबसाइट होस्ट कर सकते थे, इसके ऊपर वन वेबसाइट होस्ट करने का मतलब वन वेबसाइट आप चला सकते हैं इनके ऊपर, या रख सकते हैं या बना सकते हैं, जो भी आप समझे। इस वाले अब ये प्लान लेंगे तो इसके अंदर आप अनलिमिटेड वेबसाइट स्टोर कर सकते हैं और अनलिमिटेड स्टोरेज 100 GB तक आप महदूद नहीं है। अब इनके कुछ प्लान्स इस तरह से मजीद आगे आप बढ़ते जाएं, हम नेमचीप पे देख लेते हैं। अब इनके डिफरेंट प्लान्स हैं, यहाँ पे देखें, हम शेयर्ड होस्टिंग पे ही नॉर्मली काम करेंगे बिगनर्स के लिए। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास शेयर्ड होस्टिंग है। अब ये दे रहे थे $5.99 पर मंथ, और जो नेम चीप है वो $2.18 पर मंथ, बहुत ही सस्ता है उसकी निस्बत। और यहाँ पे देखें डोमेन नेम, और यहाँ पे देखें तीन वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हैं, 20 GB है, और वहाँ पे एक वेबसाइट होस्ट कर सकते थे 100 GB। तो इस तरह से डिफरेंट जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं वो डिफरेंट होस्टिंग्स की प्लान्स बेचते हैं अकॉर्डिंग टू द होस्टिंग फीचर्स, उसमें कैपेसिटी कितनी है, कितना साइज़ है, कितना साइज़ का डाटा रख सकते हैं आप उसके ऊपर, कितनी वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं, कितनी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, लोडिंग टाइम स्पीड कितना अच्छा होगा। तो इस तरह से डिफरेंस होता है डिफरेंट प्रोवाइडर्स के ऊपर। मैं आपको आगे चल के रिकमेंड करूँगा कि आपने किस तरह से होस्टिंग लेनी है और कहाँ से लेनी है, ये सारी चीज़ें आगे चल के हम बाकायदा प्रैक्टिकल करेंगे। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि होस्टिंग एक्चुअल में क्या है या डोमेन क्या है, डोमेन हमने डिस्कस कर ली थी। अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्स टू दैट। एंड इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।